हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन, जिस जो कि मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता है और हम विदाउट फार्मूले के अपनी मैनिपुलेशन करते रहते हैं। लेकिन अगर इन फार्मूले की हमें इंफॉर्मेशन हो मतलब तो हमें काफ़ी मतलब जो भी हम टास्क करते हैं तो वो काफ़ी ईजी हो जाती है करनी, राइट। तो इन्हीं में से मैं कुछ आपको कुछ फंक्शन और फार्मूले बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं लेकिन मालूम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम नॉर्मल कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन करके उनका मतलब आउटपुट निकालते हैं। लेकिन इन फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ईजी होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आज मैं आपको जो फंक्शन बताने वाला हूँ वो काफ़ी माइट भी कई लोगों ने सुने होंगे, कई लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा। तो इन फंक्शन में जैसे होता है GCD, प्रोडक्ट, रैंक एंड रोमन। तो पहले स्टार्ट करते हैं GCD से। तो GCD में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ये भी हमारे नंबर है 10, 30, 15, 30, 500, 600, तो इसमें से जो हाईएस्ट जो नंबर इनको डिवाइड कर दे तो उसकी वैल्यू हमारी इससे फंक्शन से आ जाती है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे GCD ओपन ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू देन थर्ड वैल्यू। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि जो 5 से सारी की सारी हमारी वैल्यू डिविजिबल है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 10 5 से डिवाइड हो जाता है 30, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है हमारे इन टोटल नंबर्स पे तो उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे दिख जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4 एंड 100, तो इसका आया 2 से हमारे मतलब सारी की सारी डिविजिबल हो जाएगी। 1000 करते हैं तो 4 से आती है, और यहाँ पे लिखता हूँ 15 तो 5 से हमारी सारी की सारी डिविजिबल होती है। उसी तरीके से इस वाले एग्जांपल में देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो डिवाइड इन तीनों वैल्यू को कर देगी तो उसका मतलब हम GCD के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू हम अपना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार और लगा कर दिखा देता हूँ फंक्शन को। आपको लिखना है सिंपल GCD फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू देन थर्ड वैल्यू। प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट GCD जो हाईएस्ट डिविजिबल होगी जो वैल्यू वो यहाँ पे उसका आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जैसे 10, 15, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ये इससे। तो कई बार होते हैं हमारे जैसे नॉर्मल हम बड़े बड़े फंक्शन यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर अलाउ नहीं करता है, तो हम प्रोडक्ट के थ्रू उसका आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये इनको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देगा इनको 1, 2 जो 2, 2 जो 3। तो अब देखेंगे इसकी वैल्यू 6 आ गई है, और कंट्रोल डी करेंगे तो ये इनकी डिविजिव मतलब जो भी इनका मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा 1, 2 जो 2, 2, 3 जो 6, 3। तो यहाँ पे आप जैसे भी कोई भी आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रोडक्ट भी हमारा काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। आप जैसे नॉर्मल ऑपरेटर जैसे इस सिंबल के थ्रू आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। जब आप बड़े बड़े फार्मूले बनाएंगे तो उसमें आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे छोटे मोटे फार्मूले, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। थर्ड फंक्शन आता है हमारा रैंक। रैंक बेसिकली क्या होता है कि इन सारे वैल्यूज़ में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी रैंक को डिफाइन करेगा। जैसे जो भी छोटा होगा उसकी सबसे कम रैंक होगी, जो सबसे बड़ा होगा उसकी सबसे ज़्यादा रैंक होगी। तो जैसे इनमें मुझे इन सब की रैंक देखनी है तो इसके लिए मैं रैंक का फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर। रैंक के बाद मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू को फ्रीज कर दूँगा, कॉमा कर फर्स्ट वैल्यू को नहीं, फर्स्ट वैल्यू को हमें फ्रीज नहीं करना है, रैंक। और ये डिपेंड करता है कि कौन से सिनेरियो में अभी हम काम कर रहे हैं। हमें सबकी अगर देखनी है तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू को फ्रीज नहीं करेंगे और अपनी पूरी रेंज को फ्रीज कर देंगे। देन F4 से ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखेंगे 10 की 6 रेंज आई है। कंट्रोल डी करके फॉर्मूले को करेंगे तो 500 जो हमारा सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है उसकी रैंक 1 आ गई है। तो जैसे कि कभी हमें मल्टीपल यूज़र अगर काम करते हैं उनका कोई प्रोडक्टिविटी शीट है उसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, रादर देन एक एक और फिल्टर करने के बजाय अगर हम रैंक का फंक्शन लगाएंगे तो रैंक से
पता चल जाएगा कि किसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो रैंक फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है, तो आप इसका भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, आपको सिंपली रैंक लिखना है यहाँ पे। रैंक लिखने के बाद आपको पहली वाली वैल्यू को फ्रीज नहीं करना है, और सारी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके F4 से इसे फ्रीज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, तो आपकी रैंक वाइज आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे 500 सबसे बड़ा है तो उसकी 1 आई है, 100 सेकेंड नंबर पे 2 आई है। अगर मैं 10 को 10,000 कर दे 1,000 कर देता हूँ तो उसकी 1 रैंक हो गई है, तो सबकी रैंक ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रेंज में से देखना है कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, कुछ भी है, तो इसके थ्रू आप अपना रैंक के अकॉर्डिंगली आप इनकी रैंक चेक कर सकते हैं। फोर्थ फंक्शन आता है, ये हमारा इतना यूज़फुल नहीं है लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जैसे अगर आप कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं इनको रोमन में चेंज कर देता है। रोमन होता है जैसे रोमन रोमन, और सिलेक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, कंट्रोल डी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनको रोमन में यहाँ पे उनको चेंज कर दिया है। तो कभी आपको रोमन में अगर आपको डिटेल डालनी है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू नहीं आई है, जो 51 लिखा एल आई, मतलब एल हो गया 50, आई हो गया 1, तो इस 400 सी डी राइट। और यहाँ पे है सी हो गया हमारा 100, 60 हो गया एल एक्स। कभी रोमन में अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो आप इन फॉर्मूले के थ्रू रोमन में निकाल सकते हैं। तो इन चार फंक्शन के बारे में मैंने बताया आपको, तो आप इनको नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं, कभी भी आपको किसी भी सिनेरियो में इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं राइट। जी सी डी, प्रोडक्ट, रैंक, आप एक बार इन्हें मैनुअली मतलब आप करेंगे तो आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इन फॉर्मूले को यूज़ करके अपना मतलब जो भी पर्पज़ सॉल्व कर सकते हैं राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।